छपरा शहर में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है, जिसमें टोटो चालकों का भी कोई जवाब नहीं है। आज अनियंत्रित टोटो चालक ने होमगार्ड के जवान 3793 रामाशंकर यादव को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत छपरा सदर अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई। इस घटना के बाद होमगार्ड जवान एसोसिएशन में काफ़ी आक्रोश है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। हमारे भाई 3793 रामाशंकर यादव, जो DIG आवास में प्रतिनियुक्त थे, ड्यूटी के क्रम में ही इनको चाय पीने का मन हुआ। चाय पीने के लिए ये शिशु पार्क के पास आए, आ रहे थे, तब तक टेम्पू आके मार दिया, आई ऑटो वाला, टोटो वाला, और ये गिरे और ब्रेन में चोट आया। सदर अस्पताल वो भी छोड़ के भाग गया, दूसरा कोई देखा और आके इनको सदर अस्पताल पहुँचाया और उनके मोबाइल से सूचना दिया, तो घर वाले लोग को चाहे हम लोग को मालूम हुआ और इलाज के क्रम में ही इनकी मृत्यु हो गई। कितनी देर पहले घटना है ये? करीब 10:30 की घटना है शिशु पार्क के पास की। करीब 11 हम लोग को सूचना मिला है। टोटो वाला भाग गया, और ये कहना है कि ये छपरा यातायात या प्रशासन, जितना टोटो वाला है बिना, सब नाबालिग बिना लाइसेंस के, बिना मतलब के बराबर चला रहा है गाड़ी और बराबर एक्सीडेंट कर रहा है, जिसके कारण मौत हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि सारे टोटो वाले लोग को चेक किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, और जो भी मार के भागा है उसको पकड़ कर उस पर कार्रवाई किया जाए, उसको सजा दिया जाए। और हमारे गृहरक्षक को सरकार के तरफ से 20 लाख रुपया दिया जाए और उनके परिवार के एक सरकारी नौकरी दिया जाए। परिचय भी दे देंगे अपना? मेरा नाम दीपक कुमार, सचिव बिहार गृहरक्षा वाहिनी छपरा। लोग का विभाग में जब से ये 13 महीना से हम लोग का बराबर ये घटना होते जा रहे, हर महीना एगो दुगो घटना होते जा रहा है। आज DIG साहब के आवास पर थे ये रामाशंकर यादव, ये वहाँ ड्यूटी परेड में थे प्रतिनियुक्ति, चाय पीने के लिए रोड पर आ रहे थे, टोटो वाला मार करके ये निकल गया। जाने के बाद में दूसरे पब्लिक के उठा करके हॉस्पिटल ले आ करके इसका भर्ती किया, तब घर के लोग का, तब हम लोग का सूचना मिला है, तो हम लोग आए, आ करके यहाँ CTS कराएं, एक्सरे कराएं, उस तब उल्टी सांस चल रहा था, तब उसके बाद इनका मृत्यु हो गई। क्या प्रशासन से मांगोगे आप लोगों? प्रशासन से ये मांग है, यातायात वाला लोग आपने चेक करे गाड़ी के, और ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, कागज़ नहीं है, इसीलिए ये लोग अपना चला रहे हैं मनमर्जी। तो प्रशासन से हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनका जिस टेम्पो मारा है उसका पकड़ करके उनका कड़े में कड़े शासन दे। अच्छा, उसकी पहचान हुई है कि नहीं? अभी नहीं हुई है। जिला अध्यक्ष राम बहादुर, रक्षा वाहिनी संघ सेवक। लगातार होमगार्ड जवानों को सड़क दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है, क्या वजह लग रहा है आप लोग? जब से आए हुए साहब तब से 14 हो गया, 14 महीने। कैसे? वैसा जवान है जो एक्सीडेंट करता है, अथी करता है, उसको कोई आकुश नहीं है, गाड़ी वाला वैसे ही मरता है, उसके बाद बालू ट्रैक्टर वाला सही मरता है, सब जो होमगार्ड पर होता है। क्या मांग करेंगे तो प्रशासन? हम लोग कहेंगे हम लोग अथी किया जाए, जैसा ड्यूटी है उस तरह से ड्यूटी दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? रामोदय सिंह उपाध्यक्ष,